हम आपको OEI 707 स्टीम आयरन में न्यू लैंप चेंज करने का तरीका दिखा रहे हैं। न्यू लैंप चेंज करने के लिए एक स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम ये बॉटम कवर के स्क्रू को निकालेंगे। उसके बाद हम स्टीम नोब स्प्रे नोब को निकालेंगे। अब हम हैंडल के स्क्रू को निकालेंगे। अब हम हैंडल को इस तरह से निकालेंगे। उसके बाद हम स्ट्रेंथ रिलीवर के स्क्रू को निकालेंगे। उसके बाद हम वायर फिक्चर के स्क्रू को निकालेंगे। अब हम न्यू लैंप के हाउसिंग में से न्यू लैंप को निकालेंगे। अब हम रेगुलेटर नॉब को इस तरह से निकालेंगे। अब हम टॉप कवर के स्क्रू को निकालेंगे। अब हम टॉप कवर को इस तरह से निकालेंगे। उस स्टीम नोजल को इस तरह से स्क्रू ड्राइवर की मदद से निकालेंगे। अब हम यह सेंटर प्लेट के स्क्रू को निकालेंगे।
अब हम नियॉन लैंप के कनेक्शन को निकालेंगे। अब हमारा ये नियॉन लैंप निकल गया है। अब हम यहाँ पे नया नियॉन लैंप असेंबली डालेंगे। सबसे पहले हम नियॉन लैंप वायर के कनेक्शन करेंगे। नियॉन लैंप का एक कनेक्शन हीटर कॉन्टैक्ट के साथ करेंगे। उसके बाद दूसरा कनेक्शन हीटर के कॉन्टैक्ट और थर्मल फ्यूज के कनेक्शन वायर के साथ करेंगे। अब हम सिरेमिक रिंग को इस तरह रखेंगे और सेंटर प्लेट को इस तरह से फिट करेंगे। अब हम टॉप कवर को इस तरह रखकर स्टीम नोजल को इस तरह बिठाएंगे और टॉप कवर को इस तरह बिठाएंगे। उसके बाद हम नियॉन लैंप को नियॉन लैंप हाउसिंग में इस तरह से बिठाएंगे। और हाउसिंग को टॉप कवर में इस तरह रखेंगे। अब हम वायर फिक्सचर को यहाँ पर रखकर स्क्रू फिट करेंगे। अब हम हैंडल को इस तरह बिठाकर
स्क्रू फिट करेगी। अब हम स्प्रे नोब और स्टीम नोब को इस तरह बिठाएंगे। उसके बाद बॉटम कवर को इस तरह से बिठाएंगे और यहाँ पे स्क्रू फिट करेंगे। अब हम यहाँ पे रेगुलेटिंग नॉब को फिट करेंगे। अब हमारी आयरन रेडी हो गई है।